एक्चुअली कहीं निकलने से पहले प्रेयर करना एकदम जरूरी है, लाइफ लेसन। मॉर्निंग वॉक जाके आ रहा है ये लड़का, मॉर्निंग वॉक कहाँ सामान। ऑलराइट, वी आर इन बताशे राइट नाउ एंड सब लोग भी मिल चुके हैं एंड हमारा टू व्हीलर्स भी रेडी। तो ये रहा हमारा लवंग दा एंड प्रज्वल, सो इज न्यू इन द ग्रुप। सुबह सुबह क्या हो गया एंड एक्चुअली हम लोग इधर से निकलने वाले थे 6 को, लेकिन लवंग दा ने देर कर दिया। ऐसा क्यों है? लवंग दा तो फुल प्रिपेयर्ड है, एज यू कैन सी सब कुछ बांध लिया एंड हमारा तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज वेलकम बैक टू चैनल स्विक्स एंड न्यू डैनी। टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आहाल डाड़ा सिटोंग। काफी लंबा रास्ता होगा, अराउंड 200 किलोमीटर होगा एंड वी ऑल आर प्रिपेयर्ड। क्यों लवंग दा प्रिपेयर्ड? फुल प्रिपेयर्ड। कितना दे रहा है माइलेज? 40 40 200 के तेल में तो अप डाउन फुल। ऑल राइट, तो आज दिन का शुरुआत, दिन का नहीं एक्चुअली राइड का शुरुआत बतासे से हो रहा है एंड फिलहाल अभी मैंने 30 मीटर को 0 में सेट कर दिया एंड देखते हैं कि कितना किलोमीटर रन करते हैं आज पूरे दिन। वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग रूट लेके जाएंगे आज, वी विल बी टेकिंग ड्रोन शॉट वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज। वी आर इन सोनादा राइट नाउ एंड सोनादा बसाद अभी ऐसा कुछ है कंडीशन सोनादा बाजार का, इट्स टोटली डैम क्लियर एंड क्योंकि इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अराउंड 7 बजने वाले हैं। सोनादा के आगे वी विल हैव अवर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, क्योंकि सुबह घर से निकलते वक्त आई हैड ओनली 1 कप ऑफ कॉफी। ओके सो इधर अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट होगा, रेस्ट यानी ब्रेकफास्ट एंड ऑल एंड उसके बाद विल कंटिन्यू अगेन, यू नो फिर से कंटिन्यू होगा। और यहाँ पर लवंग दा एकदम टूर चलते हैं। क्या होता है इसमें? कैमरा, कैमरा उसमें दोन का गिम्बल। कितने दिन का ट्रिप है? दो दिन। दो दिन? मेरा तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4 दिन का ट्रिप है मेरा तो। इधर मेरा सब कपड़ा वगैरह है एंड इधर ब्रेकफास्ट होगा। विल कैच यू अप इन ब्लॉगिंग मोड। ओके सो राइट नाउ वी आर इन 8 माइल या 8 माइल समथिंग कहते हैं इसे एंड सोनादा क्रॉस करके वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, मैगी हो रहा है एंड टी एंड कॉफ़ी। सो इसके बाद सीधे वी विल स्टॉप इन कोरसंग एंड कोरसंग में थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे क्योंकि कोरसंग के बाद कुछ दुकान नहीं मिलेगा ऊपर एंड कोरसंग जाके सीधे डाउनहिल, डाउनहिल के बाद सिमनी, काफ़ी लंबा रास्ता होगा तो इसकी वजह से इसको मैं एपिसोड में कन्वर्ट करूंगा एंड एपिसोड 1 जैसे ही आएगा 2-3 दिन बाद एपिसोड 2 भी आएगा। क्यों तो मैं कल के कल ही कर सकता हूँ बट अच्छा करना चाहिए इसकी वजह से थोड़ा, यू नो गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो लॉन्ग दा का तो खत्म भी हो गया, इधर चला गया सब। और राइट सो जगह का 8 माइल नहीं 7 माइल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। तो सेकेंड स्टॉप विल बी कोरसंग। उकालो उकालो। ओके सो इधर 2 रास्ते मिलेंगे एंड दिस इज द इंटरसेक्शन। तो ये ऊपर से सीधे जो ये विक्टोरिया बॉयज स्कूल है वहाँ पहुँचेंगे आप। तो दिस इज विक्टोरिया बॉयज स्कूल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉन्टेड प्लेसेस इन होल ऑफ इंडिया एंड ये आता है top 10 मोस्ट वॉन्टेड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डियर पार्क एंड थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है, थोड़ा ड्रिजलिंग भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ये जो आप पाइन ट्री देख रहे हैं, पाइन ट्री की वजह से। तो यही है रास्ता डियर पार्क के लिए। रास्ता का कंडीशन काफ़ी ख़राब है एंड इधर आने में हिम्मत चाहिए, अकेले आने में। हम तो ग्रुप में है इसकी वजह से आई एम नॉट स्केयर्ड, लेकिन अकेले आने में मेरा भी फट जाता है यार। अभी हम लोग चिमनी की तरफ जा रहे हैं एंड अगर चिमनी भी बंद हो गया तो मैं तो मर जाऊँगा, कसम से यार मर जाऊँगा मैं तो। बारिश भी होना चालू हो चुका है, आज का दिन ही खराब है यार। तो इस रास्ते से आने के बाद
दो इंटरसेक्शन होगा, दिस लीड्स टू कोचिंग एंड दिस लीड्स टू चिमनी। तो हम लोग चिमनी की तरफ जा रहे हैं, तो वी विल बी टेकिंग दिस रूट। एंड क्या करें, काफ़ी आलस लग रहा है बिकॉज इट्स रेनिंग एंड व्यू भी कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ जुगाड़ करके मैं ज़रूर अच्छा बना लूँगा इस ब्लॉग को, बिकॉज यू नो आई एम वेरी राइट। अपने आप को खुद ही बूस्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ समवन कैन डू यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली डू। तो आई होप एंड आई विल मेक दिस ब्लॉग ऑसम। बारिश गिरे या स्नो गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार मेरे लिए, एवरी वेदर इज गुड टू ब्लॉग। सो आई कैन एंड आई विल, इफ यू आर अ बिगिनिंग ब्लॉगर और मोटो ब्लॉगर, पहले तो व्यूज नहीं आते, डोंट लूज होप, अपना दिन आएगा। मेरा दिन वो दिन तो नहीं आया है अभी तक, बट एक दिन मेरा भी दिन आएगा। हम होंगे कामयाब। ओके सो अभी हम लोग है इस रास्ते पर, मिडल ऑन द रोड नहीं मिडल ऑफ द रोड, एंड बेसिकली बारिश काफी हो रहा था तो इधर थोड़ी देर स्टॉप हुआ। एंड हमारा प्रज्वल भाई, उसका भी लिंक रहेगा नीचे, PCR व्लॉग्स, एंड मुझे तो आप पहचानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद डायरेक्टली स्टॉप होगा आहल डाड़ा। लवंगदा भी अपना ड्रोन लेके आए, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर ड्रोन शॉट। एंड हमारा प्रज्वल भी कर रहा है मोटो व्लॉग। एंड बेसिकली आज रोहन अब तलाई रिग्रेट भयो हैन, ऐसे करना चाहिए टूरिंग। तो एक्चुअली अब काफी बारिश कम हो चुका है, तो वी विल बी लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड वी आर इन द मिडल ऑफ जंगल। भालू भी आ सकता है लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता कसम से, एक भालू तो पहले ही मिल चुका है। आज रेनकोट नहीं पहना इसीलिए। एंड या दिस इज कॉल्ड इंडियन जुगाड़। तो बेसिकली इधर ड्रोन एंड कैमरा है, तो ये भी दिखा देता हूँ, इट्स अ सीक्रेट। ये जो आप देख रहे हैं इट्स एमसील से ताला हुआ है लौंगदा। एंड कुछ कहेंगे बाइक के बारे में, अभी बाइक पूरा जुगाड़ में चल रहा है, स्पोकेट लगता है अब रिक्शा का डालना पड़ेगा, रिक्शा टोटो का। तो मेक श्योर यू चेक देम आउट, तो उन लोगों का भी लिंक रहेगा नीचे, एंड मेरा तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा। एक घंटे के बाद अभी एक बाइक आया है, वो भी पल्सर 180। नो कमेंट्स। अच्छू मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग में।